लुकेस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गौसम में। भाई प्रियंका और अंकित का गाना आ चुका है कुछ इतने हसीन। इस गाने का आपको बेसब्री से इंतजार था। हालांकि इस गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई है, किस तरीके का ये गाना होने वाला है, ये हमने पहले ही गाने की जब शूटिंग चल रही थी तभी आपको बता दिया था। कल टीजर आया, जिस टीजर को काफी ज्यादा प्यार जो है जनता ने दिया, और आज जो है प्ले DMF YouTube चैनल पे सुबह 11 बजे जो है ये सॉन्ग जो है वो रिलीज हो चुका है कुछ इतने हसीन। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था और मैंने भी आप लोगों को बताया ही था कि ये लवी डवी सॉन्ग होने वाला है। डेफिनेटली ये लवी डवी सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया है कि जो सुन नहीं सकते वो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी अधूरी है, उनकी जिंदगी भी कंप्लीट होती है जब उन्हीं के जैसा कोई इंसान उनकी लाइफ में आ जाता है और वो भी वैसी ही नॉर्मल जिंदगी बिताते हैं जो हम लोग नॉर्मल बिताते हैं। और घर भी बहुत प्यारा सा इन्होंने सजाया है और साथ में रहते थे और अपनी फीलिंग्स जो है बताते हुए इस गाने में नजर आए हैं, इशारों के जरिए ये नजर आए हैं प्रियंका और अंकित। तो बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री जो है इनकी नजर आई है और बहुत ही ज्यादा इनकी मेहनत भी नजर आई है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती है, इशारों की जो लैंग्वेज होती है वो हमें नहीं पता होती है, पर इन लोगों ने जो है उस लैंग्वेज को भी सीखा और वहां पर जो है सीख के जो है इन्होंने वो चीज समझाई भी कि आखिरकार अगर कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, वो गाने को, इस गाने को समझ भी सकता है कि उनके ऊपर ये गाना जो है वो आधारित किया गया है। वहीं पर प्रियंका ने बोला कि भाई चांद बहुत ज्यादा सुंदर है, वहीं पर अंकित ने बोला कि चांद से ज्यादा तुम मेरे साथ जो बैठी हो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो, और इसीलिए उन्होंने कर दिया प्रियंका चहार चौधरी को प्रपोज। लोकेशन बहुत अच्छी है और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है, गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, सबसे मेन बात है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक खास बात इस गाने में कि रिपीट वर्ड्स नहीं है। कुछ गाने हम लोग आजकल ऐसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि रिपीट एंड रिपीट एक ही वर्ड जो है पूरे गाने में रिपीट किया जाता है, जिस गाने का सर पांव जो है मुझे तो नजर नहीं आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना तो अभी शुरू हुआ था, खत्म कैसे हो गया ये गाना, मतलब कि इतना छोटा सा गाना और वही एक ही वर्ड को खींचे जा रहे हैं, पर इस गाने में वो चीज देखने के लिए नहीं मिली, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। बहुत ही अच्छी वर्डिंग्स जो है ली गई है, बहुत ही प्यारी वर्डिंग है, एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, गाना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। प्रियंका और अंकित की शादी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, जब अंकित उनको प्रपोज करते हैं प्रियंका को, प्रियंका का एक नेचुरल जो एक्सप्रेशन वहां पर निकला है वो मुझे काफी ज्यादा खास लगा है। और मे बी मुझे ऐसा लगा है, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा है कि प्रियंका कहीं ना कहीं चाहती है कि रियल लाइफ में तो अंकित ने उनको प्रपोज कर दिया है, पर रियल लाइफ में अंकित उनको इस तरीके से अगर प्रपोज करे तो प्रियंका रियल लाइफ में भी अंकित को मना नहीं कर पाएगी। आपका क्या विचार है बताइए जरूर, और आपने क्या कुछ इतने हसीन का गाना देख लिया है? अगर ये देख लिया है तो आपको कैसा लगा ये गाना मुझे जरूर बताइए, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि प्ले DMF YouTube चैनल पर ये रिलीज हो चुका है, आप जाके देख सकती हैं, प्रियंकित को अपना प्यार दे सकते हैं इस गाने के जरिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।